टू फ्लेवर्स विद शर्मीन। आज हम बनाएंगे खजूर की पुडिंग, बहुत ही इजी टू मेक। तो चलिए बनाते हैं खजूर की पुडिंग। खजूर हमें चाहिए 10 से 12 बीज निकले हुए, इस तरह के सॉफ्ट खजूर हम यूज करेंगे। आधा कप कंडेंस मिल्क, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, आधा लीटर दूध, आधा कप चाइना ग्रास हमें चाहिए, इस तरह एक इंच का पीस मैंने काट लिया था, आपको इस तरह से पैकेट में मिल जाएगा, इसे अगर अगर भी कहते हैं। और आधा कप पानी हम यूज करेंगे चाइना ग्रास को सोक करने के लिए। चाइना ग्रास को सोक करके एक साइड पे रख देंगे। अब ग्राइंडर में हम ले लेंगे खजूर, और जो आधा लीटर दूध हमारे पास है इसी में से थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे, तकरीबन आधा कप, और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। खजूर का पेस्ट हमने बना लिया, इसको भी साइड पे रख देते हैं। अब सॉस पैन में हम ले लेंगे चाइना ग्रास जो हमने सोक करके रखा था, और इसको मीडियम हीट पे चाइना ग्रास पूरा मेल्ट होने तक पकाएंगे। चाइना ग्रास अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, बस थोड़ी देर और। चाइना ग्रास पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम दूसरे सॉस पैन में ले लेंगे हम अपना दूध, उसमें डाल देंगे खजूर जो हमने दूध के साथ में पीस के रखे थे, खजूर का पेस्ट। और इसको उबाल आने देंगे। अब ये पकना शुरू हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। आप कंडेंस मिल्क की जगह शक्कर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो जाएगा। खजूर भी काफी मीठा होता है और कंडेंस मिल्क हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। चाइना ग्रास जो हमने मेल्ट करके रखा था, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। बस अब इसकी फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। हम अपने पुडिंग के मिक्सचर को छान लेंगे, सेम पैन में यूज कर रही हूं जिसमें हमने चाइना ग्रास बॉईल किया था। छानने से इसका टेक्सचर जो है स्मूथ हो जाएगा, कुछ अगर कचरा या खजूर के लम्स हो तो निकल जाएंगे। बस खजूर की पुडिंग अब हमारी रेडी है, अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। मैं यहाँ पर इस तरह से सिलिकॉन के मोल्ड्स यूज कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो बड़ी डिश में भी डाल सकते हैं या तो छोटे ग्लास बोल्स में भी डाल सकते हैं। इस तरह से एक एक करके फिल कर लेंगे। पुडिंग को हमने मोल्ड में फिल कर लिया, अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख के सेट होने देंगे। 15 से 20 मिनट तक खजूर की पुडिंग को हमने फ्रिज में रख दिया था, अभी अच्छी तरह से सेट हो गई है, अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे। जिस भी डिश में आपने सर्व करना हो उस पर इस तरह से अनमोल्ड कर दें। हम इसे सर्व करेंगे चिल्ड। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।